अस्सलामुअलैकुम, कैसी है भाई मेरी YouTube फैमिली। और जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मेरे हाउस टूर के व्लॉग्स के बाद अब बहुत सारे ट्रेवल व्लॉग्स आप सबके सामने आने वाले हैं, तो आज का जो ट्रेवल व्लॉग है वो एक और सिटी जिसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकली हूँ, दैट इज रहीम यार खान। नाम आपने सुना होगा और बड़ा ही प्यारा छोटा सा सिटी है, लेकिन बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा डेवलप्ड सिटी है। तो अभी बस हम रहीम यार खान के अंदर एंटर होने वाले हैं और अच्छी अच्छी फूड प्लेसेस हमने खाना खाना है, हमने शॉपिंग करनी है, और यहाँ की दो तीन ऐसी जगह लोगों ने हमें बताई हैं जो बड़ी देखने के लायक हैं, ताल्लुक रखती हैं। तो ऐसे करते हैं कि जरा अपना ट्रैवलॉग जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई रहीम यार खान में हमें क्या कुछ यूनिक देखने को मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड। रहीम यार खान सिटी में एंटर होते ही जो फैक्ट्री, जो मिल आपको सबसे पहले नज़र आती है वो है जी यूनिलीवर, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। और हमारी डेली हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जो सब कुछ हम यूज़ करते हैं उसके पीछे यूनिलीवर लिखा होता है ना, तो जी वो यहीं से बन कर जाती है। और काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा रकबे पर फैली हुई ये मैं यूनिवर्सिटी कहने लगी थी कंपनी है। और इसी के साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा जो मेन मार्केट है, मेन बाज़ार है रहीम यार खान का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो आएंगे ज़रा देखते हैं। रहीम यार खान की सबसे मशहूर स्वीट्स और बेकरी आप कह सकते हैं जी जलंधर स्वीट्स हैं, जो यहाँ की लोकल स्वीट्स हैं, लेकिन बहुत मज़े के हैं। और हर थोड़ी देर के बाद आपको रहीम यार खान में 5 मिनट के बाद जलंधर स्वीट्स का एक आउटलेट ज़रूर नज़र आता है। टाइम हो गया था जी थोड़ी सी शॉपिंग का, तो यहाँ पर हमने सोचा कि अब थोड़ी सी शॉपिंग करें। ऑलमोस्ट सारे लोकल ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आप आराम से अपनी गाड़ी को पार्क करें और सारे ब्रांड्स जो हैं आप इनसे इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी कलेक्शन थी, बल्कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत बेहतर कलेक्शन लगी यहाँ पर आकर। तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, थोड़ा सा घूमना फिरना था, तो हमने सोचा कि ज़रा अच्छी अच्छी कलेक्शन शूज़ की देखें। और थोड़ी से मुझे लगता है कि जैसे बड़े सिटीज़ में जो चीज़ों की कलेक्शन है, जो शूज़ की या कपड़ों की, वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पर मैंने ये चीज़ नोट की कि वहाँ पे कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, इतनी जल्दी वहाँ पर ख़त्म नहीं होती, और आपको बहुत सारी वैरायटी जो है वो मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रहीम यार खान का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल शेख जैद हॉस्पिटल, जिसके साथ इसका अटैच्ड मेडिकल कॉलेज भी है। और ये रहीम यार खान का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और ये मिड, जो बिल्कुल सिटी का मिड में वहाँ पे लोकेटेड है। और अभी हमें जाना है जरा रहीम यार खान की मार्केट्स को एक्सप्लोर करने, और इसके साथ साथ अभी डेजर्ट में भी जाएंगे, फिर आपको वहाँ पर भी दिखाएंगे। और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, बहुत अच्छी सर्विस थी, और हमने एक दिन स्टे किया, बट इट वाज वेरी गुड। सो मार्केट से फ्री होकर हम थोड़ा सा जब आगे आए तो हमने देखा कि हमारे लेफ्ट साइड पर रहीम यार खान का जो रेलवे स्टेशन है वो नज़र आया। बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बट अच्छा बना हुआ है। रहीम यार खान की एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो फ़ास्ट फूड की चेन्स हैं, जिनमें से KFC और मैकडोनल्ड्स है, वो भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। और एडजेसेंट इलाकों से, बहुत सारे नियर बाय एरिया से लोग जो हैं वो यहाँ पर विज़िट करते हैं और KFC का मज़ा लेते हैं। जनूबी पंजाब का मशहूर मशरूब सत्तू, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने पिया हुआ होगा, मैंने बहुत कम पिया है अपनी लाइफ में, लेकिन इतना रिफ्रेशिंग, इतना ठंडा और इतना मज़े का है ना, कि आप लोग भी जब भी आए तो ज़रूर सत्तू ट्राई करें,
बहुत मजे की चीज है, बहुत रिफ्रेशिंग है, बल्कि आप लोग अपने घर में भी बना सकते हैं। पैलेस की तरफ तो रास्ते में बहुत खूबसूरत कैसल टाइप जॉयलैंड सॉर्ट ऑफ जगह नजर आती है, जहाँ पे बच्चों के बहुत अच्छे स्विंग्स हैं और रहीमर खान के ज्यादातर लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आकर इस जगह को बहुत इंजॉय करते हैं। मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका था, आप देख सकते हैं, और रोड के दोनों तरफ इतना खूबसूरत जो खजूर के दरख्त हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मुझे हमेशा से ये सीन जो है वो बहुत फैसिनेट करता है। रोड देखें कितनी अच्छी बनाई गई है, और बेसिकली शेख जैद पैलेस की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नज़र आती है, जो इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बेसिकली जब शेख यहाँ पर अपने पैलेस में आते हैं तो उन्होंने इस जगह को थोड़ा सा डिवेलप किया और यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड्स बनाए, और जो गाड़ियाँ वो साथ लेकर आते हैं उन गाड़ियों के लिए प्रॉपर शेड्स बनाए गए हैं। तो देखें जी कितनी अच्छी उन्होंने यहाँ पे इसको जगह को डेवलप किया हुआ है, इतनी अच्छी रोड्स बनाई हुई हैं अपनी कन्वीनियंसी के लिए, और उसमें हमारा भी फ़ायदा हो गया कि हमने भी कन्वीनियंसी के साथ सफ़र कर लिया। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे ही इस हेलीपैड को हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो आगे जाकर आपको शेख जैद पैलेस की बाउंड्री वॉल नज़र आनी शुरू हो जाती है। ये देखें जी दूर से आपको नज़र आ रही होगी बाउंड्री वॉल्स की, और अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा करीब से भी इसका व्यू जो है वो नज़र आएगा। तो अभी हम खड़े हुए हैं पैलेस रोड के ऊपर, जब भी मैंने आपको दिखाया था शेख जैद पैलेस, तो ये इस साइड पे देखें ये पैलेस की बाउंड्री वॉल चल रही है, और ये बेसिकली उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे हिरन छोड़े हुए हैं जो ओपन प्लेस पे यहाँ पे बेसिकली फिरते हैं, और ये बाउंड्री वॉल जो है ये पैलेस की काफ़ी आगे तक, काफ़ी किलोमीटर्स तक जाती है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पैलेस था और पैलेस में ऑब्वियसली अरबी भी रहने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आपको हर थोड़ी देर के बाद डिस्टेंस की मार्क नज़र आते हैं कि जैसे लिखा हुआ है गाफ बिन तरशूम और 22, बेसिकली दैट इज़ द डिस्टेंस जो यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है अरबी जुबान में। और इस तरफ आप देख सकते हैं सारा का सारा जो है वो डेजर्ट है। जी ये यहाँ पर जो अरबी आते थे ना उनका यहाँ पे हेलीपैड है, और ये सड़क बेसिकली जब भी वो आते हैं और अपने पर्सनल प्लेन्स पर आते हैं तो वो उनके लिए बकायदा एक हेलीपैड बनाया गया है, और उस हेलीपैड के लिए अरबियों ने अपना पैसा लगा के खुद से ऐसी कोई आलीशान किस्म की सड़क बनाई है कि भाई क्या ही कोई मोटरवे और क्या ही वो सड़क है। और उसके साइड पे ये देखे खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, तो भाई आपको पाकिस्तान में बैठ के फिर मैं सऊदी अरेबिया का मजा दे रही हूँ। मगरिब का टाइम हो गया तो ऑब्वियसली आपको शायद व्यू इतना क्लियर ना नजर आ गया, ये सारा का सारा यहाँ पे डेजर्ट है। और इस सड़क को देख के ऐसे लगता है कि कहीं मैं
सऊदी अरेबिया की किसी सड़क पे जाके खड़ी हुई हूँ, उतनी ही गर्मी और उतनी ही तपिश और उतना ही टेम्परेचर है, लेकिन बड़ी प्यारी जगह है। यहाँ पर आप खड़े होकर पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया का मजा ले सकते हैं ये दिखा के। देखिएगा कितना प्यारा सनसेट का व्यू है। बड़े ही टाइम पे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं भगाते भागते भागते, और आप देखें सनसेट का व्यू कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अभी चूंकि मगरिब का वक्त है तो अभी गर्मी की तपिश जो है वो काफी कम हो गई है। वो सामने जो आपको लाइट्स नजर आ रही हैं, बेसिकली अभी मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ पर जो भी अरबी आते हैं और फिर उनके साथ उनकी पूरी डेलीगेशन होती हैं, तो उनकी गाड़ियों के लिए जो प्रॉपर शेड और पार्किंग है वो वहां पर बनाई गई है। ये रोड जो है ये काफी आगे जाती है हेलीपैड तक, लेकिन अभी चूंकि बहुत लेट हो गया था और अंधेरा भी होने वाला है तो अभी अनफॉर्चुनेटली आगे का व्यू नहीं मैं आपको दिखा सकती, तो अभी तक यहीं पर बैठ के आप रहीम खान शेख जैद पैलेस से वापस आते आते हमें रात हो गई और हमें बहुत शदीद भूख लग गई, तो हमने रहीम खान के वाहिद अकलौते मैकडॉनल्ड्स, जो कि बल्कि इसके एडजेसेंट शहरों में सिर्फ वाहिद यहीं पर बना हुआ है, हमने सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा कुछ खाया जाए और पेट पूजा की जाए और वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो रहीम खान का जो ट्रेवल वॉग, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। छोटा सा डिवेलप लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है और हर चीज़ जो है वो आपको अपनी ईज पर यहाँ पर अवेलेबल होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे ट्रेवलॉग्स को इंजॉय करते रहेंगे और मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट ट्रेवलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेवलॉग में। अल्लाह हाफिज़।